बुजुर्गों ये बात द्रौपदी चीरहरण के किस्से की सुनाऊंगा कि जब जुए के खेल में पांचाली द्रौपदी को जिता दिया पांडवों ने, तो दुशासन देवर अपनी भाभी द्रौपदी को सभा में बुलाने के लिए जाता है, तो क्या दुशासन कहता है और क्या द्रौपदी कहती है, सुनिए धार्मिक रागनी। ए भाभी पांचाली। हाँ कहिए देवर। आपको मेरे भाई दुर्योधन ने सभा में बुलवाया है। क्यों? ये तो मेरे भाई को बताए कि क्यों बुलवाया है। कुछ मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। किस लिए लेने आए हो? कुछ काम है? क्योंकि आज तेरे 500 पतियों ने तू जुए के दाव में लगा दी और तेरे पति तुझे हार चुके हैं। अच्छा, लेकिन मैं तेरी इज्जत करता हूँ। हाँ। अभी भी प्यार से कहते हो कि भाभी तू चल, मेरे भाई ने तुझे बुलाया है। और अगर मैं ना गई तो? ना गई तो मैं तुझे गैर राजी उठा के भी ले जा सकता हूँ। अच्छा। हाँ तो देवर आज मैं भरी सभा के अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्यों, मेरी मर्जी? तेरी मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा, मर्जी मारी चलेगी। हाँ? और तेरे को सभा में चलना होगा। अच्छा। हाँ देवर, आज आप सभा में जाने की बात तो छोड़िए, आज तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि अपनों से बड़ों के उनके पैर तक भी छू लूं। क्यों, तेरा खाज हो रही है जो उनके भी लग जाएगी? पैर छूने की जरूरत नहीं है, तेरे को चलने की आवश्यकता है। अच्छा, मेरी बात सुन। कही। आज तेरे को एक बढ़िया स्पेशल आदमी बुला रहा है। कौन? मैं गा के बताऊंगा, सुन। कहिए। आज वो अंधे का अंधा याद करे। अच्छा, याद कर जिसको तूने अंधे का अंधा कहा था। तो मेरी बात सुनिए। कहिए। मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। तो मेरा भाई भी 100 रुपया किराए के देने आगे। इतने चाल। अच्छा। हाँ कति नहीं जाऊं। हे द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। मैं सब हमें जाने लायक ना, मेरी जो रागनी का असली श्रोता है वो ध्यान से सुने। बात जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। क्या कहा भाभी, मैं सभा में जाने लायक ना? जी बिल्कुल। क्यों, तू जाने लायक क्यों ना है? मैंने आपको कहा ना पहले। क्यों जाने के लायक नहीं है ये बता। मेरी कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तेरी मजबूरी पूरी हम करेंगे। अरे उस सभा में सभी मेरे से बड़े बड़े बैठे होंगे और मैं उनके सामने जाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। मतलब तू उनकी इज्जत करती है? बिल्कुल करती हूँ। अच्छा जी, वहाँ तो तेरा जेठ भी है, दादासरा भी है, तू इज्जत कब तक करने लगी? अच्छा। हाँ मैं तो खूब करती हूँ ना। क्यों? हे तू इज्जत न के जाने, रे तू इज्जत न के जाने, जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। अरे सेला कर ले दिखे, ठंडा कर ले मुंह, जल जा कर ए थारा कर ले गरम नहीं, सेला कर ले मुंह जल जाता, थारा कर ले गरम नहीं। ए इन बातें ते कदे द्रौपदी हृदय होता नरम नहीं। तम बहु बेटी न बुरा हत को सरे, यो छतरी का धर्म नहीं। बहु बेटी न बुरा हत को सरे।
पड़ जाऊंगी, तेरे सर पर जाऊंगी, तेरे सर पर जाऊंगी तू शासन रतना गाड़ी अनादि करे, तेरे सर पर जाऊंगी तू शासन तू रतना गाड़ी अनादि करे। के बोली मेरे सर पर जागी जी बिल्कुल, घनी अनाद ना करूं। हाँ अनाद का मतलब होता है अंगाई करना, बुरा करना। जी भाभी तू देख, के देखूं मैं, तू कितना बुरा करती है। के कर रही हूँ मैं, जितनी धरती तो ऊपर है उतनी नीचे है तू। फालतू मत बोल, नू बता मैं के कर रही हूँ। मतलब मेरे भाई का अपमान करा, मारे बाप को कहती कि अंधा है और मेरे भाई को कहती कि देखो अंधों के तो अंधे पैदा होते हैं। वो तो है अंधा, उसमें कोई शक। तेरी सारी एकड़ी लिकाट दूंगा आज। अरे मैं नू कह रही हूँ बेटे चला जा, जा अपने भाभी से इतने ज्यादा नहीं बोला करते। तू जब तक तेरे महल में है हाँ बोल ले, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है। रेंड़ दे, रेंड़ तू एक बार सभा में चाल, आज आज बता दूंगा मैं तेरे को। चला जा यहाँ से, जा मेरे से बकवास मत न कर, अगर मेरा मूड खराब हो गया ना। अब देख मैं क्या करूंगा। क्या करेगा तू? मारी अनाथ, ओहो मारी अनाथ बतावे है, तुम्हारी गलती बतावे है, तने अपनी खता बताई नहीं। देख मेरे कैसी हिर, मेरे जैसी और किसे मेरे देवर मिले सवाई नहीं। मेरे कैसी और किसे में देवर मिले सवाई नहीं। तेरे ते तेरे ते तेरे ते ज्यादा मारे कुल में और बद जात लुगाई नहीं। तू बेअदबी से मत बोले कुछ, खाती तेरी कमाई नहीं। तू बेअदबी से मत बोले कुछ, खाती तेरी कमाई नहीं। ये तेरे जैसे मुजरिम पे बताए रे 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 रे। ये तेरे जैसे मुजरिम पे कौन दया जल्लाद करे, तुम कौन दया करने वाले इस वर्षब की मदद करे। कौन दया करने वाले इस वर्षब की मदद करे। ओ बात ने भाभी बता, मैं नु कह रही हूँ चला जाए यहाँ से, ना तो आज तो पिटेगा मेरे हाथों से। आज तेरा काल आ रहा है, तेरा काल आ रहा है, तेरा मार मेरा कि मैं नहीं बिगड़े तेरे पे। अच्छा और तेरा कुछ बचा कौन है? बिगाड़ के दिखाऊं? बिगाड़ दिखाऊं बिगाड़ के, कुछ नहीं कर सकती तो। मैं नु कह रही हूँ कोई बात नहीं, मेरा छोटा देवर है। हाँ छोड़ दे रही हूँ, मैं भी तने लुगाई करके बकस रहा हूँ। अच्छा कोई मर्द होता तो गर्दन काट देता। काट काट तने अपनी भाभी के हाथ लगाया। मैंने भाभी के हाथ लगाया तो देवर लगा दे के घस गया तेरा। तने पता नहीं मेरे पांच पांच पति हैं, पांच पांच। हाँ तने तेरी कुट्टी सी कूट देंगे ना कि मिना उन पे। तेरे पांच पति आज कुत्ते बना रखे हमने। तेरे पांच पति जिनको तू शेर समझती है उन्होंने शेर, तू... शेर बप्पर शेर। भीम देखा है? भीम उसकी गदा तोड़ कर फेंक दी। गदा नहीं उसका तो एक हाथी काफी है तेरे लिए, कुछ नहीं है। अरे सुन तू के बोली ईश्वर सबकी इमदाद करे। बिल्कुल ईश्वर सबकी मदद करे। मदद करता है सबकी भाभी, ईश्वर हमेशा सच्चे और अच्छे इंसान की मदद करता है। बिल्कुल जैसे मैं सच्ची हूँ। तेरे कैसे कलियारी नाश करने वाली भुंडे मुँह वाली की मदद कोई ना करे। अपनी जिबिया को लगाम दो, नहीं काट के हाथ में दे दूंगी। हाथ में हम भी दे देंगे के काट के। पर सुन
मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ। अच्छा? आज कौन आएगा तेरी मदद करने? कौन आएगा? हाँ। ओ देवर। हाँ। ओ मोटे देवर। हाँ। शायद तुझे पता नहीं है कि मैं बेबे किसकी हूँ। किसकी बेबे है बताओ? आड़े तो नहीं बैठा तेरा भाई कोई सा? अच्छा ये हाँ सकल भी मिल रही है। हाँ देख ले तेरी तेरी अब हो रहा है। अच्छा किसकी बेबे? सुनो भाई किसकी? अरे मैं बेबी उसकी हूँ जिसके इशारों पे पूरी दुनिया चलती है। समझ गया कौन है वो ट्रैफिक पुलिस वाला है। इशारा करे न्यू को आ जाओ। अरे जिसके मुरली पे ये सारी गोपियां झूमती है। इसे डूम डल्ले घने अंडे मारे बस है। कौन है वो? अरे मैं उस कृष्ण की बहन हूँ उस काने की। काने की? हाँ। काना है भाई तेरा? ओ कृष्ण। कृष्ण? हाँ। तेरा भाई है? जी। तू पांडवा की लुगाई है? हाँ बिल्कुल। मैं पांडवा का भाई हूँ तो रिश्ते में वो मेरा साड़ा नहीं लग गया? एक काम कर तू कृष्ण को बुला, तू भी आ अपनी माँ को भी बुला, आज दुशासन बताएगा हम क्या चीज है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तोते से उड़ावे है तू सभा में चाल के करिए न्यू। अच्छा? हाँ अभी देख तेरे ही माती ने देखेंगे मैं तेरे कृष्ण को देखूंगा तन नंगी नाच नचावेंगे। तम कौन नचाने तम कौन नचाने वाले हो जब अर्जुन धनुष उठावेंगे। कौन नचाने वाले खेल खिलावेंगे। अरे वो षष्ठी के रचने वाले चन के खेल खिलावेंगे। वो षष्ठी के रचने वाले चन के खेल खिलावेंगे। आज तेरा नंगा नाच देख के परमात करे दिख नहीं किसे में जोरी सा चोरा गंगा जी नगाद करे नहीं किसे में जोरी सा जो गंगा जी में गात करे। क्या मतलब? इतना किसी में जोर नहीं देवर जो गंगा जी में गात करे। इतना जोर नहीं है ना हमारे अंदर है हम गंगा जी में गात कर देंगे गादल उठा देंगे। कैसे? हम एक दो को ना फिर 101 है 101 सोते भाई है अरे एक मारी बेबे दो साला। ओहो तू सोच। अरे भाई ये बताओ अगर 101 आदमी गंगा जी में बढ़कर जोर जोर के खुद देंगे के गाद नहीं उठेगी। हम तो गंगा जी में भी गाद उठा दे तू कह तेरे में भी उठा दे। अच्छा कितने भाई हो? 101 है हम। कितने? 100 भाई 100 भाई और एक बेबे। 100 भाई 1 बेबे 101 हो गए। ओहो कितनी छाती चौड़ी करके कह रहा है। हाँ। एक जो एक भाइयों में एक जो एक से 101 हम। पर एक बात बता। हाँ। सच सच बोली झूठ मत बोलिए। बता एक बात बता। हाँ। उस मेरी सास उतनी भूतनी को और कुछ काम था कि बस यही काम था। कोई मतलब बात है 101 आज की डेट में 2-3 में झोला बन जाए। अरे जबान को लगाम दे ले। अच्छा अरे जा चला जा यहाँ से। मतलब तेरे बाल पकड़ लूंगा मैं पत्नी तेरे के पकड़ लूंगी।
पहले तुम्हारे बाप को अंधा कह दिया। अच्छा। हो सकता था कि हम बर्दाश्त कर लेते। अच्छा। लेकिन अब तूने मेरी माँ को भी उतनी भूतनी बोला है, अब तूने अपने विनाश का, अपने मरने का, अपने नाश का ये दूसरा पेट जमा दिया। अरे इब थारा नाश होने वाला है। अभी तो तीसरा भी जमेगा, तू मेरी पूंछ पाड़ ले। चल तो तेरी पूंछ न देखूंगा, चल मार ले तू। पहला बोया काट्या ना, तिखे सांप कहने में, अरे सांप कहने में ओ देवर दिल बच्चा मेरे बगाता ना, सांप कहने में ओ देवर दिल बच्चा मेरे बगाता ना। हमने कौरव कौन कहे, मने दुशासन कौन कहे। अच्छा। चेतन थूक के चाट्या ना, उस ईश्वर की माया कहाँ वेरर बैठ किसे न पाट्या ना, ईश्वर की माया कहाँ वेरर बैठ किसे न पाट्या ना। ये पहला बोया काट्या ना, पहला बोया काट्या ना, क्यों ताजा खड़ा फिसाद करे। अरे गुरु मान सिंह के भजनों मेरे नित नहीं रखना करे, करे। गुरु मान सिंह के भजनों में नित खराब करे। लोगों जब पांचाली नहीं माननी तो दुशासन आके बड़ा और पांचाली के बाल पकड़ लिए और फिर आगे आगे होलीवा चाल द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद चले। हाँ देवर, हाँ भाभी, ये अब द्रौपदी के केस ऐसे ही खुले के खुले रहेंगे। अच्छा, और खुले राग बढ़िया लागे है, छुट्टिया में तो अच्छी कौन लागे। अब ये आसानी से बदने वाले नहीं है। और क्यों कर बंधेंगे? तेरे खून से बंधेंगे, तेरे खून से, तेरे रक्त से। अच्छा हाँ, जा बैठ जा, जाके जा मेरे रक्त से। अब पता पड़ेगी, देखियो सजनों अगर आपकी इच्छा तो इस अगली रागनी एक और सुना दो, फिर डांस पे डांस ले लेना। इजाजत है।